हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर में यूनिट नंबर थर्ड में जो हमारा आइगन मान और आइगन सदिश चल रहा है, इसमें एक प्रश्न और करा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 अनसोल्ड का क्वेश्चन है और आज ये यूनिट हमारी फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी यूनिट नंबर थर्ड आज। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ए के आइगन मान λ1 λ2 λn है कि मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज क्या है, λ1 λ2 λn है। तो प्रूव दैट कि λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर λn स्क्वायर, ये जो आइगन वैल्यूज हैं ये किसकी होंगी, ए स्क्वायर की। तो ये हमें प्रूव करना है, मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज दिस। तो प्रूव दैट ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, दिस λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर और λn स्क्वायर। तो ये हमें सिद्ध करना है, बहुत ही सिंपल और छोटा सा प्रश्न है। देखो इसका सॉल्यूशन। माना कैपिटल ए कोई वर्ग, कोई n क्रॉस n का वर्ग मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स। लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन तथा लैम्डा आइगन सदिश है, लैम्डा आइगन मान है एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू तथा इसके संगत आइगन सदिश। कौन सा सदिश, आइगन सदिश। इसके संगत आइगन वेक्टर जो कैपिटल एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये हमने लिख दिया, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू, देन करस्पोंडिंग आइगन वेक्टर कैपिटल एक्स नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि आइगन वेक्टर की डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या कहती है, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स, यही कहती है आइगन वेक्टर की वैल्यू। ये इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। अब नाउ हम इसी को लेके चल रहे हैं, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स को। क्लियर। अब इधर देखो, मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए से। क्लियर, ए से मल्टीप्लाई कर। अब ए मैं सहचार्यता लगा रहा हूं, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव ब्रैकेट चेंज हो जाता है। लैम्डा कांस्टेंट, ए एक्स, ए और ए कौन, ए स्क्वायर और लैम्डा। ए एक्स की वैल्यू देखो, इक्वेशन फर्स्ट से ए एक्स की वैल्यू कितनी है, लैम्डा एक्स बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए एक्स की वैल्यू कितनी, लैम्डा एक्स, और लैम्डा एक्स मैंने यहां रख दिया, ए एक्स की जगह लैम्डा एक्स। अब देखो तो ए स्क्वायर एक्स और ये लैम्डा और ये लैम्डा क्या हो जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर एक्स। और ए स्क्वायर की आइगन वैल्यूज क्या गई, ए स्क्वायर का आइगन मान लैम्डा स्क्वायर। जैसे सुनो, मैट्रिक्स ए का आइगन मान कौन है, लैम्डा। देखो ए का आइगन वैल्यू कौन है, लैम्डा। तो इसी प्रकार ए स्क्वायर का आइगन मान कौन है, लैम्डा स्क्वायर। अतः ए स्क्वायर के आइगन मान क्या होंगे, लैम्डा आई स्क्वायर, और आई के मान कहां से, 1 to n तक। तो λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर डैश 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 λn स्क्वायर। तो ये था एक छोटा सा प्रश्न कि मैट्रिक्स ए के आइगन मान λ1 λ2 λn है, तो मैट्रिक्स ए स्क्वायर के आइगन मान, ये हमें प्रूव करने थे आइगन वैल्यूज।
तो ये छोटा सा प्रश्न हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट है थर्ड और चैप्टर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर फिनिश हो गया, खत्म हो गया बच्चों। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट, और इस बुक लीनियर एलजेब्रा का चैप्टर नंबर भी फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो आप ध्यान दो। अब इसको मैं रफ कर रहा हूं, अब मैं चालू कर रहा हूं यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर भी फर्स्ट, और चैप्टर का नाम सदिश समष्टि, इंग्लिश में बोलते हैं से वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस। समष्टि क्या होती, समष्टि होती स्पेस, स्पेस मतलब जगह, ऐसी जगह ऐसा स्पेस। देखो अब आपको सर गणित में ये स्पेस वर्ड क्यों आया, गणित में भी एक अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे एडवांस मैथमेटिक्स में अलग, एडवांस मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे टॉपिक आते हैं, एक 2D में 2D के फिगर्स के बारे में स्टडी करते हैं, 3D में 3D के बारे में स्टडी करते हैं, प्योर मैथमेटिक्स में प्योर मैथमेटिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो गणित में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक अलग पार्ट है, और उसी प्रकार एस जिसके अंदर हम वेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं वो पार्ट कहलाता मैथ का वेक्टर स्पेस, कि जिसके अंदर हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसी स्पेस जिसको वेक्टर। अभी फिलहाल हम इस टॉपिक पर बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं कि जो चैप्टर हम चालू कर रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट हम चालू कर रहे हैं सदिश समष्टि। अब सदिश समष्टि हम इस टॉपिक पे हम डायरेक्ट नहीं जाएंगे, पहले मैं कुछ बात जो आपने BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, मैं BSc फर्स्ट ईयर की कुछ बातें हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, वो याद करना और समझना भी सही, और हो सके तो आप अपने रजिस्टर में लिख भी सकते हो। तो देखो आपने BSc फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक पढ़ा था और उस टॉपिक का नाम है ग्रुप, ग्रुप टॉपिक पढ़ा हुआ आपने, ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं समूह। हमने फर्स्ट ईयर में जो बुक है पूरी एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा अमूर्त बीजगणित, उसमें पूरी बुक में ही हमने टॉपिक पढ़ा है ग्रुप, ग्रुप थ्योरी पढ़ी थी हमने पूरी एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में, और आपने पढ़ी भी होगी फर्स्ट। अब आप थर्ड ईयर में आगे, फर्स्ट ईयर पढ़ के ही आए हो आप ऑलरेडी, तो लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा ये ग्रुप क्या होता है। देखो समझो अच्छे से, सबसे पहले बात करते हैं समुच्चय, सेट, समुच्चय आप ऑलरेडी जानते हो कि कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, जिसे हम बोलते हैं सेट, सेट बोले तो समुच्चय, और चैप्टर का नाम जी से चालू होता था इसलिए ग्रुप, ग्रुप में जी, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लो A1 A2 डैश डैश ऐसे एलिमेंट ले लिए AN तक, तो ये अवयव हैं, ये एलिमेंट्स है सेट के, ये सेट के क्या है अवयव एलिमेंट्स, और समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, समुच्चय को हमेशा, सेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े बड़े लेटर से अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी, तो अपन इसे बोलते हैं सेट जी, ग्रुप जी, और जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर उन्हें स्मॉल लेटर में लिखते हैं अपन। और एक और आप चीज पढ़ते हो संक्रियाएं, अब चालू हो रही है प्योर मैथमेटिक्स, हमने ये जो पेपर नंबर फर्स्ट है इस पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर अभी तक हमने प्योर मैथमेटिक्स पढ़ी ही नहीं, 3 यूनिट हो गई हमारी, 2 बुक कॉम्प्लेक्स वाली बुक में हो गई, 2 यूनिट हमारी कहाँ हो गई कॉम्प्लेक्स वाली बुक में, 1 यूनिट इसमें पढ़ी अपन ने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर लीनियर एलजेब्रा में,
लेकिन प्योर मैथमेटिक्स जैसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। अब स्टार्ट हो रही है एक्चुअल में प्योर मैथमेटिक्स। तो प्योर मैथमेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, अब जो संक्रियाएं ऑपरेशंस, ऑपरेशन संक्रियाएं। अब संक्रियाएं क्या होती, देखो संक्रिया प्लस, ये प्लस एक ऑपरेशन है अपने आप में, इनटू ये भी एक संक्रिया है ना, सारी स्टार ओ कुछ संक्रियाएं तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इनटू की है प्लस की है तो बचपन से पढ़ के आ रहे। लेकिन कुछ ऑपरेशंस वो भी तो होते हैं जिन्हें हम डिफाइन कर दें, कुछ ऑपरेशंस ऐसे जिससे हम डिफाइन करते। ऑपरेशंस का मतलब कि हमें उन ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या काम करना है उन दो एलिमेंट के बीच में। अब मैं आपको कुछ ऑपरेशंस लिखा रहा हूं, टोटल कितने ऑपरेशंस, पांच, पांच ऑपरेशंस मैं आपको लिखा रहा हूं, पांच संक्रिया मैं आपको लिखा रहा हूं, देखना अच्छे से समझना, पांच ऑपरेशन। अभी मैं चैप्टर को चालू नहीं कर रहा हूं, अभी ऑपरेशन से बात कर। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, सबसे पहला ऑपरेशन है द्वि आधारी संक्रिया। पहला ऑपरेशन क्या है, इसके बहुत नाम है बच्चों, बहुत नाम, जैसे इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं सुपरिभाषित, बोले तो वेल डिफाइंड। एक और शब्द यूज कर सकते हो संवृत, बोले तो क्लोज्ड। ये सारे कोई सा भी वर्ड मैं यूज कर सकता हूं, इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, द्विआधारी है या सुपरिभाषित है या फिर संवृत है, ये सारे एक ही बात है। अब बात करते हैं इस ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला टॉपिक है। वैसे आप जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं, बहुत से बच्चे, लेकिन मेरा काम है एक बार शुरू से वापस से किसी चीज को पढ़ाना। तो मैं चाहता हूं द्विआधारी संक्रिया एक बार आप जानो, जो नहीं जानते वो और अच्छे से जानो। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, सुनो। लेट लेट ए इज एनी सेट, लेट ए इज एनी सेट, माना ए कोई समुच्चय है, माना कैपिटल ए कोई समुच्चय है, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हो, माना ए कोई समुच्चय है। एंड स्टार, स्टार इज एनी ऑपरेशन, तथा स्टार कोई संक्रिया है, माना ए कोई समुच्चय है तथा स्टार कोई संक्रिया है। तब देन स्टार इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, ऑपरेशन इफ, तो सुनो, तब संक्रिया स्टार द्विआधारी कहलाती है यदि, यदि इफ, देखो कब, स्टार कोई ऑपरेशन हो सच दैट ए क्रॉस ए, तो रिजल्ट भी किसमें मिले, ए में। गणित की अपनी खुद की एक भाषा होती है बच्चों, इस लाइन का मतलब मैंने लिख तो मात्र जरा सी इसमें लिख दी, दो शब्दों में लिख दी, लेकिन इस बात का मीनिंग क्या है गणित के अनुसार वो सुनो। डबल डॉट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, बोले तो सच देट, बोले तो इस प्रकार। क्रॉस का मतलब होता है ए से ए में, ए से ए में, और इसका मतलब होता है रिजल्ट, जो परिणाम मिलेगा। तो सुनो ये जो मैंने लिखा है बोर्ड पर इसका मतलब क्या है, सुनो, संक्रिया स्टार, ध्यान से सुनना, संक्रिया स्टार कैसे काम कर रही है, देखो सच देट इस प्रकार, संक्रिया स्टार इस प्रकार कार्य करेगी
कि समुच्चय ए में से ही कितने अवयव लेने हैं, दो, ए से ए में। तो बच्चों एक बात सुनो, बहुत ही सिंपल सा काम है समझने वाला कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। सुनो, आप एक काम करें, सेट ए में से दो एलिमेंट लो, समुच्चय ए में से कितने अवयव लो, दो। सेट ए में से दो एलिमेंट लोगे, उन दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगा दो, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिजल्ट आए वो भी सेट ए में ही आना चाहिए। तो यही तो हमने कहा, देखो कि दोनों एलिमेंट सेट ए के, उनमें ऑपरेशन लगाओ, जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट ए में ही आना चाहिए। स्टार ऑपरेशन सच दैट, इस प्रकार ए से ए में ही लगाएंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी सेट ए में ही आएगा। देखो इस बात का मीनिंग। तो ये संक्रिया स्टार द्विआधारी कहलाती है। तो द्विआधारी आप समझ गए होंगे, संवृत या सुपरिभाषित की संक्रिया सुपरिभाषित कब होगी, जब किसी समुच्चय में से दो अवयव लो, उसके बीच में संक्रिया लगाओ, जो रिजल्ट आए वो भी उसी सेट में आना चाहिए। तो संक्रिया स्टार क्या कहलाती है, द्विआधारी, बोले तो बाइनरी। अब बात करते हैं सेकंड ऑपरेशन, जिसे हम बोलते हैं सहचार्यता, और इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिविटी, सहचार्यता। और सहचार्यता में क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, एक बार ब्रैकेट स्टार्टिंग में और एक बार ब्रैकेट लास्ट के दो में, ब्रैकेट चेंज होना ही, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, सभी के सभी अवयव समुच्चय ए के हैं। और ये होती है सहचारिता जिसमें ब्रैकेट चेंज होता है, ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगा दिया और ब्रैकेट चेंज करके लास्ट के दो में, तो ये ऑपरेशन होता है सहचार्यता, एसोसिएटिविटी, सहचार्यता कहलाती है। क्या कहलाती है, सहचार्यता। अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशन, तत्सम्मक। हेलो, ध्यान दो, तत्सम्मक अवयव का अस्तित्व, बोले तो इंग्लिश में बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्सम्मक अवयव का अस्तित्व। अब बात करते हैं आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी ऑपरेशन क्या होता है। सुनो, ए स्टार ई बराबर ए बराबर ई स्टार ए, और ए किसका एलिमेंट है, सेट ए का, और ई कौन है, आइडेंटिटी। ई कौन है बच्चों, आइडेंटिटी, देखो नाम से पता लग रहा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बोले तो पहचान, पहचान नहीं बदलनी चाहिए, शक्ल नहीं बदलनी चाहिए। देखो ए और ई के बीच में ऑपरेशन लगाया तो ए की शक्ल नहीं बदली, वापस से रिजल्ट क्या आया, ए आया। देखो ए स्टार ई किया तो वापस से ए ही आया, यानी ई ने ए को चेंज नहीं किया। तो ये जो ई है ये ई क्या कहलाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की है, ए की आइडेंटिटी को चेंज नहीं कर रहा है। अब मैं आपसे एक दो बातें लिखा रहा हूं नोट करके, प्लस ऑपरेशन के लिए, कौन से ऑपरेशन के लिए, प्लस ऑपरेशन के लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। क्यों, क्योंकि जीरो को किसी में ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे दो प्लस जीरो बराबर दो बराबर जीरो प्लस दो, पढ़ो स्टार की जगह तो प्लस ऑपरेशन, स्टार की जगह प्लस ऑपरेशन, देखो दो प्लस जीरो बराबर दो बराबर जीरो प्लस दो, यानी जीरो कौन है, प्लस की आइडेंटिटी। ऐसे ही गुणन की आइडेंटिटी देखते हैं,
गुणन के लिए e की वैल्यू कितनी होती है, 1। कैसे, 2 इंटू 1 बराबर 2 बराबर 1 इंटू 2 कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 चेंज नहीं होगा, इसलिए 1 कौन है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई की। तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है 0 और गुणन की आइडेंटिटी होती है 1, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 और प्लस की आइडेंटिटी 0। तो ये था टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब फोर्थ ऑपरेशन, तीन ऑपरेशन हो गए, चौथा ऑपरेशन कौन सा, देखो टोटल 5 ऑपरेशन है, फोर्थ ऑपरेशन कौन सा देखें, फोर्थ ऑपरेशन है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। और इसका ऑपरेशन कहता है ए स्टार बी बराबर, रिजल्ट कितना है ई और बी स्टार ए, ये है इनवर्स का ऑपरेशन। और ये जो ए है काय का एलिमेंट है, कैपिटल ए का, फॉर हम बोलेंगे बी इज इनवर्स ऑफ ए कि बी ए का प्रतिलोम है, बी किसका प्रतिलोम है, ए का। अगर ए और बी के बीच में ऑपरेशन लगाओ, रिजल्ट क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, तो हम कहते हैं बी ए का क्या होता है, प्रतिलोम। तो इधर ध्यान दो, अगर बात करूं ऑपरेशन इनटू का है, इनटू के ऑपरेशन के लिए 2 का प्रतिलोम कौन होता है, 1/2 होता है, ठीक, क्योंकि रीजन भी सुन लो, क्योंकि 2 × 1/2 करोगे तो 1 आएगा और 1 कौन होती है, आइडेंटिटी ए, ये बी और वो ई। तो 2 के लिए प्रतिलोम कौन होता है, 1/2, लेकिन ऑपरेशन का है का इनटू का, अगर ऑपरेशन इनटू का है तो 2 का प्रतिलोम 1/2 होता है, अगर ऑपरेशन प्लस का है तो 2 का इनवर्स, 2 का इनवर्स कौन होता है, -2 होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 प्लस -2 बराबर 0 और 0 होती है आइडेंटिटी ए बी। अगर ऑपरेशन प्लस का है, बीच में देखो, बीच में मैंने काय का ऑपरेशन रखा प्लस का, तो 2 का इनवर्स कौन, -2, क्योंकि तभी तो आइडेंटिटी मिलेगी और प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर ऑपरेशन प्लस का है तो आइडेंटिटी क्या होती है, 2 का इन, सॉरी ऑपरेशन अगर प्लस का है तो 2 का इनवर्स -2, अगर ऑपरेशन इनटू का है, मल्टीप्लाई का है, तो 2 का इनवर्स 1/2। और एक लास्ट ऑपरेशन हो रहा हमारा जिसे हम बोलेंगे क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिव, अंतिम और ये लास्ट ऑपरेशन है पांचवा, क्रम विनिमेयता, इंग्लिश में बोलेंगे ना कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमेयता। और क्रम विनिमेयता में नाम से पता लग रहा, क्रम का विनिमय कर दो, यानी क्रम बदल दो ए और बी का, फॉर ऑल ए और बी किसके अवयव हैं, कैपिटल ए के, ए और बी का अगर क्रम चेंज कर दो, ऑर्डर चेंज कर दो, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। तो इस प्रकार हमने टोटल कितने ऑपरेशंस, 5 ऑपरेशन हमने पढ़ लिए। अगर ये 5 ऑपरेशन, ये जो 5 ऑपरेशन है,
अगर ये सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड, तो फिर ये जो समुच्चय मैंने लिया सेट ए और ऑपरेशन है स्टार, ये बन जाता है आबेली ग्रुप। कौन सा ग्रुप? आबेली ग्रुप, बोले तो एबेलियन ग्रुप, और बोले तो क्रम विनिमय ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर सेट ए में स्टार ऑपरेशन, अगर ये पांचों ऑपरेशन हमारे लग जाते हैं, अगर ये पांचों ऑपरेशन सेटिस्फाइड हो, अगर ये पांचों ऑपरेशन अगर इस सेट में लग जाएं ए में, तो ये जो सेट ए है क्या कहलाता है, आबेली ग्रुप। यानी आबेली ग्रुप के लिए, एबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप, इसके लिए पांचों ऑपरेशन फॉलो होने चाहिए। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था, बीएससी फर्स्ट ईयर में, जिस हमने जी कोमा स्टार ग्रुप क्या पढ़ा था अपन ने, जी कोमा स्टार, यही पढ़ा था ना ग्रुप, जी कोमा स्टार हमने ग्रुप पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। तो ये पांच ऑपरेशन, जब भी हमें आबेली ग्रुप प्रूव करना हो, एबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता था, तो हम ये पांच ऑपरेशन हम प्रूव करते थे, वहां लेकर के आते थे पांच ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये जो मैंने आज यूनिट चालू की है फर्स्ट, और चैप्टर चालू किया है सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो मैंने सारी पुरानी बातें बताई थी बीएससी फर्स्ट ईयर की, बट ये काम की बातें थी बच्चों। आप एक काम अवश्य करना, जितनी भी बातें मैंने लिखाई ना, इनको एक बार लिख भी लेना आप, तो ताकि आपको याद रहे, और नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलें तब तक आप इन सारे पांचों ऑपरेशंस को आप अच्छे से माइंड में फीड कर लेना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपन टॉपिक के साथ, सदिश समष्टि के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा और गुड बाय।